एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ सुमैरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। कांग्रेस ने आज नरेंद्र मोदी को हैरान कर दिया। हो सकता है कि मोदी परेशान भी हुए हों। गुजरात की जिस मणिनगर सीट से मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट से कांग्रेस ने श्वेता भट्ट को उम्मीदवार बना दिया। श्वेता भट्ट संजीव भट्ट की पत्नी है और संजीव भट्ट मोदी के खिलाफ लड़ने वाले निलंबित IPS अफसर हैं। अब बीजेपी का कहना है कि मौका मिल गया है कि मोदी के खिलाफ संजीव भट्ट के पीछे कांग्रेस ही खड़ी थी। कांग्रेस और संजीव भट्ट दोनों लीगल लड़ाई कोर्ट में हार चुके हैं, इसीलिए अब वो पॉलिटिकल एक मैदान में आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो सरकारी अधिकारियों का अपने दलगत राजनीति के लिए दुरुपयोग करती है, ये तथ्य भी, ये कटु सत्य भी सबके सामने आया है। श्वेता भट्ट का राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है, लेकिन आज सुबह अचानक मोदी के खिलाफ लड़ने वाले गुजरात के निलंबित IPS संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट की उम्मीदवारी की खबर आई और श्वेता ने मोदी के खिलाफ मणिनगर से पर्चा भी भर दिया। श्वेता ने जब नामांकन भरा तो उनके साथ उनके पति निलंबित IPS संजीव भट्ट भी थे। श्वेता भट्ट की उम्मीदवारी ने बीजेपी को मौका दे दिया है कांग्रेस और संजीव भट्ट पर निशाना साधने का। आज उनकी पत्नी जब कांग्रेस की कैंडिडेट बन गई तो साफ हो गया कि संजीव भट्ट के पीछे कौन ताकत काम कर रहे हैं। संजीव भट्ट ने जो लड़ाई लड़ी वो कांग्रेस के पक्ष से लड़ी और ये एक पॉलिटिकल लड़ाई थी, और चूंकि कांग्रेस और संजीव भट्ट दोनों लीगल लड़ाई कोर्ट में हार चुके हैं, इसीलिए अब वो पॉलिटिकल एक मैदान में आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। संजीव भट्ट का जो परिवार है उसके साथ जो कांग्रेस के संबंध अभी छिपे हुए थे वो अब सामने आ गए हैं और लोग निर्णय करेंगे कि इस तरह के संबंधों का क्या अर्थ है। और कांग्रेस जो है वो सरकारी अधिकारियों का अपने दलगत राजनीति के लिए दुरुपयोग करती है, ये तथ्य भी, ये कटु सत्य भी सबके सामने आया है। कल तक ये पता नहीं था कि आखिर मणिनगर में मोदी के सामने कांग्रेस की तरफ से कौन चुनौती पेश करेगा, लेकिन श्वेता भट्ट ने जब नामांकन भर दिया है जाहिर है मणिनगर में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एक मुद्दा जोड़ देने लायक है तो मुझे जो भी चीज जब भी सच लगी, जब भी सही लगी, मैं उस पे काम करूंगी। मैं लोगों के साथ, लोगों के बीच में रहकर काम करना चाहूंगा। संजीव भट्ट 1988 के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं। 2002 के गुजरात दंगों के वक्त संजीव भट्ट खुफिया विभाग में SP इंटेलिजेंस थे। संजीव भट्ट ने नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों को नहीं रोकने का आदेश देने का आरोप लगाया था। संजीव भट्ट ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर इस बारे में मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद संजीव भट्ट को जेल भी जाना पड़ा था। हिरासत में हुई पिटाई से मौत के एक मामले में जामनगर की एक अदालत में संजीव भट्ट के खिलाफ चार्जशीट स्वीकार हो गई है। इस मामले में संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई थी। ऐसे में अब संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट जब मणिनगर में मोदी के सामने चुनाव मैदान में है, अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जो दावा कर रही है कि श्वेता भट्ट मोदी को हरा देंगी, आखिर मतदाता इस पर क्या मिजाज दिखाते हैं। आज जिस IPS अफसर ने सरकार के दमन के आगे न झुकना स्वीकार किया है, जिस बात को हम भी अभी पिछले दिनों गुजरात गए थे, गुजरात की जनता जानती है, और जब उसके प्रतीक के रूप में उसकी पत्नी चुनाव लड़ेगी तो मैं निश्चित समझता हूं इस बार नरेंद्र मोदी को अपना चुनाव जीतने के लिए लाले पड़ जाएंगे। श्वेता भट्ट के नामांकन के ठीक बाद मोदी ने भी पर्चा दाखिल किया। पर्चा भरने से पहले मोदी ने जीत का नारा और निशान दिखा दिया। वी फॉर विश्वास, वी फॉर विकास, वी फॉर विजय। और इसी पर चर्चा करेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या संजीव भट्ट के साथ कांग्रेस पार्टी थी जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे तमाम मेहमान। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग मौजूद रहेंगे इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल मौजूद हैं। हमारे साथ गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता चेतन रावल जी मौजूद हैं। हमारे साथ तृप्ति शाह मौजूद हैं, RTI कार्यकर्ता हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन सबसे पहले चेतन रावल जी, आपसे मेरा सवाल, ये आरोप बीजेपी का कि अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि कांग्रेस पार्टी ही संजीव भट्ट के पीछे थी, संजीव भट्ट जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे लगातार उसके पीछे। बीजेपी को सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहिए कि उनका विरोध किसके प्रति है, श्वेता जी के प्रति या श्वेता जी जो संजीव भट्ट जी की पत्नी है उसका। बीजेपी वाले हड़बड़ा गए हैं, श्वेता जी का नामांकन जैसे उनका नाम बाहर आया तो
तो बीजेपी वाले हड़बड़ा गए हैं, क्यों? सुधांशु मित्तल जी, चेतन रावल जी का कह रहा है कि बीजेपी वाले हड़बड़ा गए हैं, क्या नरेंद्र मोदी भी हड़बड़ा गए इस वजह से जिस तरह की बात आज उन्होंने की, और बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई कि कांग्रेस पीछे है संजीव भट्ट के, ये बात आज साफ हुई? सुमेरा जी, पहले आपने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी हैरान और परेशान हो गए हैं इनके नामांकन से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश हैरान हो गया है और जनता परेशान हो गई है कि राजनीति की गिरावट हम किस स्तर तक लेके जाने वाले हैं। राजनीति में उम्मीद करी जाती है कि सीरियसली चीजों को देखा जाएगा। एक वो व्यक्ति जिस पे 302 का मुकदमा चल रहा है और जिसका उसकी उसकी बीबी को लड़ाने का सारा उद्देश्य क्या है कि लाशों पे राजनीति करना है, 2002 के दंगों को अभी तक इस्तेमाल करके राजनीति करने का अगर उद्देश्य होगा तो राजनीति कहां जाके रुकेगी, इसको सोचना चाहिए। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कांग्रेस से कि राजनीति में एक स्तर रखें। नरेंद्र मोदी एक देश के कद्दावर नेता हैं, नहीं उनसे प्रतिस्पर्धा करनी है, उनसे चुनाव में लड़ना है तो नेता लेके आइए। ये इस तरह के छिछोरेपने की चीज करके संदेश देखिए, ये तो आप मानेंगे कि श्वेता जी एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है। जी मैं आपको वही समझा रहा हूँ, हमारी कोई आपत्ति नहीं, कोई लड़े, हमें दुख यह है कि राजनीति का गिरावट जो है उसकी सीमा कहां तक जाएगी। कम से कम राजनीति को बहुत गंभीरता से लेके एक नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व के साथ गिरावट दिखाई दे रही है, जिस तरह से संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट मैदान में आई हैं। विजय सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति की गिरावट कहां तक जाएगी, क्योंकि उनका उसका कारण मैं एक और सिर्फ कहना चाहता हूँ, मेरी सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा हाँ पहले बोलिए, बीजेपी के नेता सुबह से जो ये कह रहे हैं, जैसी ये खबर आई कि श्वेता भट्ट मणिनगर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, कि इसका मतलब दो कांग्रेस के साथ साठगांठ थी, इसका मतलब ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, इस तरह के आरोप किसी आईपीएस अधिकारी पर लगाना जो अपनी ओथ से रहा है, जुड़ा रहा है, वो क्या राजनीति की गिरावट का वो सूचक नहीं है? आखिर कितने आईएएस हैं रिटायर्ड होकर, कितने आईपीएस हैं वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए क्या? अगर वो बीजेपी में शामिल हुए तो क्या अपनी सारी जितनी उन्होंने नौकरी की क्या वो बीजेपी की सेवा के लिए की है, आम जनता की सेवा? आपने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न करा जी सुधांशु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। अभी अगर आपने टीवी पे देखा हो कि अभी आपने टीवी पे देखा हो तो जब वो जाती हैं तो संजीव भट्ट उनके साथ उनका नामांकन करवाने गए हैं जी। अगर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट अगर आप उठा के देखें तो इससे बड़ा कोड ऑफ सिविल कंडक्ट का वॉयलेशन हो नहीं सकता। मैं फिर कहना चाहता हूं, देखिए राजनीति के स्तर अगर नहीं मेंटेन होंगे तो राजनीति कहां जाएगी भगवान जाने। आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं ना कि लोग ये कह रहे हैं कि साठगांठ, वो एक अलग पहलू है, हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया दी जा रही है और कहा जा रहा है कि साठगांठ उसी मुद्दे पर सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं जी। दिबांग हमारे साथ मौजूद है, दिबांग राजनीति का स्तर गिर रहा है इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं सुधांशु मित्तल जी, क्या वाकई आपको लगता है कि आज श्वेता भट्ट के मैदान में आने से ऐसा हो रहा है? दो तीन चीज़ें इसमें सुमेरा हैं, एक तो ये कि अगर नरेंद्र मोदी 2002 में वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, 2007 में वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, 75,000 वोटों से जीतते हैं और ये भी सबको मालूम है कि वहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस वाले कोई ऐसा कार्यकर्ता, कोई ऐसा कार्यक्रम उनके पास नहीं है कि वो एक उम्मीदवार खड़ा कर सकें? ये एक बड़ा सवाल है, एक तरीके से छिछोरापन जो हमारी राजनीति में आ गया है और इसमें सभी दल एक तरीके से शामिल रहते हैं। आप देख लीजिए पुराना इतिहास कि आप फिल्म स्टार को कहीं खड़ा कर दीजिए और किसी को खड़ा कर दीजिए, इसलिए क्योंकि आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक परंपरा एक तरीके से हमारी राजनीति में जो पतन हुआ है उसको दिखाती है। पर ये जो सुधांशु मित्तल बोल रहे हैं कि ये लाशों की राजनीति कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सोच समझ के इसको बोले हैं, और ये जो बोल रहे हैं इसमें तो बहुत सारे और आयाम भी खुलते हैं, बहुत सारे जवाब इसमें उनको भी देने पड़ेंगे। सवाल ये है कि ये जो संजीव भट्ट जो अधिकारी हैं, ये तो एक तरीके से आंख और कान थे नरेंद्र मोदी के 2002 में, और ये एक SP थे और इंटेलिजेंस में थे,
क्या वजह है कि इनमें आपस में दूरी बढ़ी और इतनी दूरी बढ़ी कि दोनों एक अलग अलग खेमे में हो गए? हम जानते हैं जब इस तरह की सेंसिटिव जगहों पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो कितनी देखभाल करके वो अपॉइंटमेंट की जाती हैं, और ये आज सज्जन उनसे दूर हो गए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पर भी सवाल उठाता है, पूरी जो राजनीति जो जिस तरह से चल रही है देश पर, उस पर ये बहुत सारे सवाल उठाता है, ये इनका उम्मीदवार होना ये सवाल उठाता लेकिन है। मुझे नहीं लगता छछोरा पर, क्योंकि आमतौर पर जैसे कोई मुख्यमंत्री या बड़ा शख्सियत हो लेकिन उसके खिलाफ पार्टी का कोई तैयार नहीं होगा। अगर आप, अगर दूसरी बात ये है कि कई बार ऐसे लोगों को उनके चुनाव क्षेत्र में मतलब उनके खुला ना छोड़ दिया जाए, उनको बार बार अपने चुनाव क्षेत्र में भी आना पड़े, एक छोटी सी एक राजनीतिक चाल होती है इसमें, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा। मुझे लगता है कि ये जो भाई दबांग ने उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या संजीव भट्ट के साथ कांग्रेस पार्टी थी चेतन रावल जी, लेकिन एक जो मुद्दा उठकर आया अभी ब्रेक से पहले भी वो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए श्वेता भट्ट को मैदान में उतारा? जी नहीं, सबसे पहली बात मैं जो मित्तल जी कह रहे थे कि 302 का केस और ये जो भी वे कुछ कह रहे थे, क्या उनके सभी मंत्री महोदय जो आज भी चुनाव लड़ रहे हैं वे सब एकदम नीट एंड क्लीन है? पहले वो बात का वे जवाब दे। और रह गई बात जहां तक श्वेता जी की, तो जी, क्या कोई भी आम आदमी एक मुख्यमंत्री के सामने चुनाव नहीं लड़ सकता है? श्वेता जी वे एक लागणी का प्रतीक है, एक इमोशन का प्रतीक है जी, और यही लेकिन चेतन रावल जी आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि श्वेता भट्ट के पति संजीव भट्ट लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने बोला है उनके खिलाफ? संजीव जी की फाइट जो भी हो वे अपनी जगह पर है जी। श्वेता जी वे एक स्वतंत्र व्यक्ति है, और किसी की भी पत्नी, किसी का भी पति, किसी का भी पिता, किसी का भी बेटा, किसी की भी माँ, किसी की भी बेटी वो किसी के भी सामने चुनाव भारतवर्ष में लड़ सकती है। हम इस पर आपत्ति नहीं जता सकते। जी जी दिबांग इस पर कुछ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये श्वेता जी ने कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन किया, आप बता सकते हैं इस बात को? सुमेरा जी दिबांग जी, जी मैं आती हूँ सुधांशु जी आपके पास। जी चेतन जी आपसे सीधा सवाल दिबांग का। दिबांग जी शायद उन्होंने आज ही ज्वाइन की होगी या कल की होगी। यही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है जो वहां पर जाकर जमीनी स्तर पर तैयारी करे और जमीनी स्तर पर ये साबित करे कि हाँ आपकी पार्टी में इतना दम है, आपके कार्यक्रमों में इतना दम है, आप इतनी आलोचना करें मुख्यमंत्री के कार्यकाल की। आपके पास ऐसा कोई कार्यकर्ता जमीनी नहीं है, ये त्रासदी है, और आप ही की नहीं त्रासदी है, यही त्रासदी आप पाएंगे बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ। जी जी चेतन जी आपके पास आएंगे, तृप्ति जी भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती है। जी तृप्ति जी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, आज चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी के पास ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो लोगों को रिप्रेजेंट करे। जैसे बड़ोदा में बीजेपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है मनीषा वकील, वो भी आज सुबह ही बीजेपी को उसने ज्वाइन किया। इसी तरह से कांग्रेस भी कर रहा है। मुझे लग रहा है लोगों के जो मुद्दे हैं, आम जनता के जो मुद्दे हैं, उसको लेके ये दोनों ही या सभी पॉलिटिकल पार्टियां काम नहीं कर रही है। उसके जो प्रत्याशी है वो भी लोगों के मुद्दों को लेके नहीं जा रहे हैं, बल्कि राजनीति का स्तर जैसे अभी अभी आपने बताया इतना नीचे गिर चुका है, सिर्फ पर्सनल लेवल पे एलिगेशन होते हैं। जैसे कि संजय भट्ट की बात अभी कर रहे थे, मुझे लगता नहीं, है तृप्ति जी लेकिन लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन संजीव भट्ट की भट्ट के पीछे कांग्रेस है या नहीं है, ये होना चाहिए कि उसका संजय भट्ट का आक्षेप सही है या नहीं है, लेकिन उस मुद्दे पर ये चर्चा नहीं कर रहे हैं उसके पीछे कौन है कौन नहीं है। ऐसे ही मुद्दे में लोग उलझे जा रहे हैं जिसमें लोगों के मुद्दे कभी भी बाहर नहीं आते। जी सुधांशु मित्तल जी, मतलब जो मुद्दा है उस पर बात ना करके बीजेपी ये मुद्दा सामने लेकर आई है कि कांग्रेस पार्टी पीछे थी संजीव भट्ट के, उस मुद्दे को आप सामने लेकर आए जबकि चुनाव के मैदान में तो श्वेता भट्ट है। मैं तो कह रहा हूँ मुद्दों के लिए तो कह रहा हूँ कि व्यक्तित्व तो ऐसा लाइए जो मुद्दों पर राजनीति करे। नरेंद्र मोदी विकास के मुद्दे को लेकर जनता के सामने गए हैं, और आज से नहीं गए, पिछले 12 साल से जनता के सामने विकास के मुद्दे को लेके गए हुए हैं, और इसीलिए बार बार उनका विकास देख के जनता उनको वोट देती है। मैं अगर मुझे टोका ना जाए तो एक और रहस्य उद्घाटन करना चाहूंगा, क्योंकि कश्यप जी ने भी कहा
आप मैं एक मिनट बस एक मिनट मैं आपको बतलाता हूँ कि आपको ध्यान होगा श्रीमती सोनिया गांधी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के विषय पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के विषय को लेके लोकसभा से इस्तीफा देके दोबारा चुनाव लड़ा था जी। उस समय उनके परिवार से संबंधित एक व्यक्ति भाजपा अध्यक्ष से मिले और उन्होंने निवेदन करा कि मैं श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। वो चुनाव में श्रीमती सोनिया गांधी के लिए एम्बेरसमेंट हो सकती थी, लेकिन भाजपा ने निर्णय करा नहीं, हम राजनीति को एक बड़े गंभीर स्तर पर रखना चाहते हैं, हम छिछोरी राजनीति नहीं करना चाहते। नहीं लेकिन सुधांशु मित्तल जी, अगर संजीव भट्ट की पत्नी चुनाव लड़ना चाहती है नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो वो लड़ सकती है, ये उनका अधिकार है। नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा विकास है जी। सुनिए संजीव भट्ट भी तो कुछ मुद्दा लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ। विकास का मुद्दा है, उनकी प्रशासनिक कुशलता का मुद्दा है। आप लाइए एक ऐसे व्यक्ति को लाइए जो उनको इन मुद्दों के बारे में उनके सामने उनको चुनौती दे, रखिए प्रामाणिकता से रखिए। लेकिन एक व्यक्ति जिसका की सारा परिचय यह है कि वो संजीव भट्ट की पत्नी है, उनका नाम तक नहीं है। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, क्या दिया सुधांशु मित्तल जी, आप अभी व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, उनको कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं मानता। बहुत सारे कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को अभी बीजेपी ने अपनी पार्टी में गुजरात में शामिल किया और अपने लड़वा रही है। हिंदुस्तान में एक अच्छा कोई भी राजनीतिक चुनाव लड़ने का हक नहीं है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्या संजीव भट्ट के साथ कांग्रेस थी, आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर दिबांग में आपके पास आना चाहूंगी कि क्या ये आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, इसमें आपको लगता है कि ये आज मुद्दा उठाया जाना चाहिए था श्वेता भट्ट के पर्चा भरने पर? मेरे ख्याल से इस बात से मैं सहमत नहीं हूं जो यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि भाई आप किसी की पत्नी हैं, किसी के बेटे हैं, आप वो इंडिविजुअल के साथ आप जो जोड़ देते हैं ये बात सही नहीं है। और मैं आपको दो नाम बता रहा हूं, अमित शाह और तुलसीराम प्रजापति, इनके जो केसेस कर रहे थे वो पुलिस वाले बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि आप ऐसी फौज चाहते हैं जैसे पुराने जमाने में राजाओं की होती थी कि जो भी लॉयल रहेगा उसको हम लोग इनाम देंगे, उसको थोड़ी सी जागीरदारी देंगे? जी, मेरे ख्याल से ये एक ट्रेंड है जो बहुत गलत ट्रेंड है जिसमें आप इस तरीके से, और ये बहुत बार हुआ है बीजेपी के साथ भी, बहुत बार ऐसा हुआ है कांग्रेस के साथ भी, बहुत बार ऐसा हुआ है जी। और ये गलत ट्रेंड है, इस पर लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बात बिल्कुल गलत। पुलिस अधिकारी है जो अभी इस बार बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो अलग अलग मामलों से जुड़े हुए हैं, तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर मामले से जुड़े हुए हैं, गवाह है उसमें और बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो क्या वो सब लोग काम कर रहे थे सरकार के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए, इस तरह के आरोप भी फिर लगाए जाएंगे? प्रश्न क्या हो रहा है? प्रश्न ये हो रहा है कि कोई जना जो नरेंद्र मोदी जी की खिलाफत कर रहा था, उसकी खिलाफत के पीछे राजनीति थी या एक प्रशासनिक सोच थी? सिर्फ यही तो प्रश्न था जी। और उस प्रश्न का स्वाभाविक उत्तर जिस समय श्वेता जी लड़ती हैं तो स्वाभाविक उत्तर हो जाता है, दिवांग जी ये तो आप भी मानेंगे। अब कौन भाजपा में आया है कौन नहीं आया वो दूसरा प्रश्न है। प्रश्न यहां हो रहा है कि संजीव जी की जो जिहाद जिसको हम कहते हैं उसके पीछे राजनीति थी या नहीं थी, यही प्रश्न तो सब लोग पूछते थे। तो आपके मुताबिक राजनीति थी और ये साफ हो गया आज, गलत क्या कोई कह रहा है? श्वेता भट्ट के नामांकन भरने से राजनीति नहीं थी सुधांशु जी, बीजेपी ये कह रही है कि संजीव भट्ट कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे थे, ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है जो मुझे लगता है कि उतना ही छिछोरा आरोप है जितना कि आप जो दूसरे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस को लेकर। और दूसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा ये नरेंद्र मोदी तय नहीं करेंगे, ये अपोजिशन की पार्टी तय करेगी। और वो किस स्टेटस का होगा नहीं होगा ये भी अपोजिशन वाले तय करेंगे। टीएन शेषन चुनाव आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त से हटने के बाद वो शिवसेना की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो क्या हम मान के चले कि सारी जिंदगी उन्होंने शिवसेना की चाकरी की? पीएन भगवती आपकी पार्टी में आ गए थे, क्या हम मान के चले कि पूरी जिंदगी उन्होंने बीजेपी की चाकरी की थी? सीएजी से टीएन चतुर्वेदी जी, सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी से लड़े, ये तमाम नाम आपको गिनवाए गए, क्या फिर ये इसी तरह की राजनीति होगी, इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो आप लोग इतने प्रभुत विश्लेषण करने वाले पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं जी, दोनों के बीच का फर्क आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ।
संजीव जी आज भी एक सर्विंग आईपीएस ऑफिसर हैं जी, उनका निलंबन होना इसका मतलब ये नहीं कि वो आईपीएस ऑफिसर नहीं है जी। वो अपनी एक राजनीतिक संगठन के लिए नामांकन भरवाने जब जाते हैं तो उनकी सुधांशु जी क्या आप ये कह रहे हैं कि किसी भी सर्विंग आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर की पत्नी ने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, आप ये कह रहे हैं? जी जी आ गया सर्विंग जी, बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ कि सर्विंग आईपीएस ऑफिसर जिसके नाम से सारा एक माहौल विशेष करा गया, आप ये मानते हैं ना कि चुनाव लड़ने का अधिकार है उनकी पत्नी को, जिनका की कोई राजनीतिक जीवन नहीं रहा जी। वो जब लोग लड़ती हैं और सुनिए और सुन तो लीजिए, और उसके बाद जब वो चुनाव का पर्चा भरवाने जाते हैं एक राजनीतिक मंच पे, तब ये जो है वो जो प्रश्न भाजपा ने उठाए हैं उन प्रश्न को वो सार्थक बना देते जी, जी, सर्विंग आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर या सरकारी कर्मचारी में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आदमी जब तक आदमी प्रशासनिक सेवा में है तब तक उसको ये काम नहीं करना चाहिए, उम्मीद होती है। सुधांशु जी आप लोग पिछला चुनाव वहाँ 75,000 से जीते, 75,000 का मार्जिन था पिछले चुनाव में, पिछली बार नरेंद्र मोदी का मणिनगर में, आप अब वहां पर वो एक उम्मीदवार खड़े करते हैं और जब आप ये कहते हैं कि देखिए उनके पति तो उनके साथ थे, उनके पति वहां जुड़े हुए थे, जब आप इस तरह की बातें करते हैं एक तरीके से दिखाता है हल्कापन, एक तरह से दिखा रहा है कहीं आप बड़े विचलित से हो गए, कांग्रेस ने ऐसे पता नहीं क्या पत्ता चल दिया और आप लोगों को समझ नहीं आया, हतप्रभ टाइप है आप। मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया जब आप देते हैं उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप देखें आईने में अपना चेहरा भी देखें, क्या ये बात सही नहीं, ये तो पत्नी है, क्या ये बात सही नहीं है कि मैंने दो नाम बताए उस केस से जुड़े हुए, अमित शाह से केस से जुड़े हुए, तो तुलसी प्रजापति केस से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो बीजेपी में शामिल हैं, इस तरह की बातें आप जब आप आरोप लगाते हैं कि ये कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, ये उस पार्टी के लिए काम कर रहा था, तो मेरे ख्याल से ये आरोप इस तरह से सोच के लगाने चाहिए, बिना सोचे समझे हुए लगाया हुआ आरोप है। जी सुधांशु जी हमारे साथ इस बीच मीनाक्षी लेखी भी जुड़ गई है बीजेपी से और इस पर चेतन रावल भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी चेतन जी एक मिनट बस बोल दूं, उसके बाद मीनाक्षी जी बोल ले। जी आप तो पहले जो बात कह रहे थे उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जी मैं सुधांशु जी कह रहे थे कि ये करके एक सेकंड जी बोले, आपने खुद ने कहा कि ये करके एक छिछोरेपने का हमने परिचय दिया है, मैं भी वही तो कह रहा हूँ। बाकी नरेंद्र मोदी ने कब कहा है कि कौन लड़े कौन ना लड़े, जरूर लड़े, अपना चुनाव सामने, जमानत जब तो छोड़े, कितना खाता उनका खुलेगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति का नुकसान हो रहा है, सारा प्रश्न ये है। जी सुधांशु जी चेतन रावल जी को सुन लेते हैं, सुधांशु जी आपका शुक्रिया, चेतन रावल जी को सुन लेते हैं, वो इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। जी चेतन रावल जी 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 मित्तल जी, व्यक्ति पूजा कृपया नहीं होनी चाहिए, आपकी पार्टी में कितनी डिसिप्लिन है और कितनी ऑटोक्रेसी है वो सब लोग जानते हैं। मेरी सिर्फ एक ही बात है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ सकता है और वैसे ही श्वेता जी चुनाव लड़ रही है, आपको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये डर है कि 75,000 से जो लास्ट इलेक्शन आप जीते थे वो 7500 आप जीत हार ना जाए तो आप उस पर सोचिए, आप और कुछ मत सोचिए। जी मीनाक्षी लेखी जी आपने सुना चेतन रावल जी को, वो कह रहे हैं कि इसलिए बीजेपी की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है कि संजीव भट्ट के पीछे कांग्रेस थी क्योंकि हड़बड़ा गई है बीजेपी श्वेता भट्ट के मैदान में आने से। देखिए चेतन जी जो हैं या तो प्रक्रिया को नहीं समझते या कानून को नहीं जानते, जो चीजें सुधांशु जी ने कही वो कानूनी रूप से ठीक है लेकिन बावजूद इसके चाहे श्वेता जी आए या कोई आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और देखना सिर्फ ये है कि 75,000 की बजाय ये कितने से हारने वाली हैं। दूसरी चीज जो है वो कांग्रेस की बैंकरप्सी दिखाती है कि उनके पास नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए कोई उस कद का लीडर नहीं है, इसलिए उनको एक सैक्रिफिशियल गोट यानी बलि का बकरा एक चाहिए था, वो बलि का बकरा उनको श्वेता जी के रूप में मिला। तीसरी बात जो इन्होंने कही है कि नरेंद्र मोदी जो हैं ये भट्ट जो हैं वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मैं मिस्टर भट्ट के कुछ कारनामे इनको याद दिलाना चाहती हूँ।
कि उनके ऊपर एक कस्टोडियल डेथ का 302 का केस है, दूसरा केस है कि एक की जबान पर इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट मारा था, तीसरा एक केस है कि एनडीपीएस एक्ट में इन्होंने किसी को जालसाजी से फंसाया था। बिल्कुल, तो वो ऑफिसर है मीनाक्षी लेखी जी, आज तक रोते रहे जी सुप्रीम कोर्ट के आगे। मीनाक्षी लेखी जी, आप कह रहे हैं कि बलि का बकरा चाहिए था और वो पांच बार जी आपने कहा कि बलि का बकरा चाहिए था, इसलिए श्वेता भट्ट को मैदान में लेकर आए, तो फिर बीजेपी की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों आ रही है जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि इनके पति जो हैं उन वो तो कांग्रेस के साथ शामिल थे, वो कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे। श्वेता भट्ट को महत्व ही क्यों दे रही है बीजेपी फिर? मतलब अगर आप सुनिए प्लीज, ना तो हमें उनसे कोई फर्क पड़ रहा है ना कुछ है, लेकिन जब भी कोई कैंडिडेट ऑपोजिट में खड़ा होगा, विरोध में खड़ा होगा, उस विरोधी की सारी गतिविधियों को लोगों के सामने लाना हमारा कर्तव्य है और वो हम करेंगे और वही कर रहे हैं। और जो कुछ इस केस के अंदर कांग्रेस या संजीव भट्ट ने गलत किया है वो सामने लोगों के सामने कहना हमारा फर्ज भी है। अब ये नहीं कि श्वेता भट्ट है तो हम आराम से बैठ जाएंगे, हम श्वेता भट्ट को भी बताएंगे कि उसकी क्या जगह है या संजीव भट्ट ने क्या किया है या कांग्रेस क्या कर रही है, वो लोगों के सामने लाना आवश्यक है। इसीलिए जी मीनाक्षी जी, इस पर चेतन रावल जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ रही है। जी चेतन जी, जी बोले चेतन जी। मैडम जी, आप श्वेता जी को जो कुछ भी दिखाना है वो बाद में सोचिए, पहले अपने नेता मोदी जी को अपनी जगह दिखाइए। आज तक उन्होंने अपना मैरिटल स्टेटस क्लियर नहीं किया है, आप पहले उसकी जांच करें, आप किसी को जगह दिखाने की बात मत कीजिए, ये सभ्य भाषा नहीं है जी। लेकिन 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 मीनाक्षी लेखी जी का ये कहना कि श्वेता भट्ट के आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी पर बात को आगे बढ़ाएंगे कि क्या वाकई को फर्क नहीं पड़ता या फर्क पड़ रहा है। आप और आपकी पार्टी के सभी सदस्य ये कहना चाहते हैं कि श्वेता जी ने जो मोदी जी के सामने नामांकन किया है वो गलत किया है, क्या आप ये कहना चाहती है? तृप्ति जी आपसे जानना चाहेंगे, आप तृप्ति जी आपके पास मैं आऊं उससे पहले हम दिखा देते हैं कि अभी तक इस चर्चा में क्या कुछ हुआ है, किसने क्या कहा है, इस बड़ी बहस में अभी तक बीजेपी किसका विरोध कर रही है, कांग्रेस का या श्वेता भट्ट का। साफ है कि बीजेपी हड़बड़ा गई है, ये कहना है चेतन रावल का। कांग्रेस का छिछोरापन है, जिस पर 302 का केस लगा, उसकी पत्नी को लड़ाया, कांग्रेस लाशों की राजनीति कर रही है, ये कहना है सुधांशु मित्तल का। इसके अलावा पूर्व आईएएस आईपीएस अफसर बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हुए, क्या कहना उचित है कि वो सब भी काम कर रहे थे बीजेपी के लिए, ऐसा कहना विजय विद्रोही का। कांग्रेस की त्रासदी है कि वो मोदी की आलोचना करती है लेकिन उसके पास मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है, ये कहना है दिबांका। हमारे साथ अभी तक चर्चा में जो चर्चा हुई अभी तक उसमें ये अहम बातें निकलकर सामने आई, चर्चा ये नहीं हो रही है कि संजीव भट्ट का मकसद क्या है, जो मुद्दा नहीं है उस पर चर्चा करके मुद्दा भटका रहे हैं, कहना है तृप्ति शाह का। और कांग्रेस के पास मोदी से लड़ने के लिए कोई नहीं है, श्वेता को कांग्रेस ने बलि का बकरा बनाया है, ये कहना है मीनाक्षी लेखी का। तृप्ति जी, लेकिन आपसे मेरा सवाल कि क्या श्वेता भट्ट के मैदान में आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, या जो बयान दिया जा रहा है आपको लगता है उसमें कुछ दम है? बिल्कुल बीजेपी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक मामला जो सामने आएगा चर्चा में उसमें बीजेपी को जरूर जवाब देना पड़ेगा। संजय भट्ट का मकसद कोई भी हो, उसके पीछे कोई भी हो, लेकिन उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसका जवाब तो नरेंद्र मोदी को देना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पूरी चर्चा जब ये चल रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के जो मुद्दे हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं। एक ओर से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि मैं विकास के नाम पर लड़ रहा हूँ, लेकिन विकास के नाम पे जब लोग सवाल करते हैं, जैसे हम सवाल करते हैं नरेंद्र मोदी को कि क्यों आपके इस स्वर्णिम गुजरात में 4,54,000 लड़कियां 0 से 6 के एज ग्रुप में कम है, तो उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी नहीं देना चाहते हैं। जब हम नरेंद्र मोदी जी को पूछ रहे हैं कि क्यों इस गुजरात के गोल्डन कॉरिडोर में वापी से वटवा तक सभी नदियों का पानी हरा पीला हो गया है और लोगों के पास पानी नहीं है, तो इसका जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि इन सब सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। इसलिए इन मुद्दों के जवाब देने की बजाय इस प्रकार के हथकंडे ये दोनों ही पक्ष अजमा रहे हैं और लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तृप्ति जी जवाब ले लेते हैं। मीनाक्षी लेखी जी, जो अहम जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो ना उठाकर इस तरह की बातें की जा रही है, जैसा कि आज बीजेपी की तरफ से कहा गया कि संजीव भट्ट कांग्रेस के लिए राजनीति करते रहे, कांग्रेस के लिए काम करते रहे।
देखिए, संजीव भट्ट कांग्रेस के लिए काम करते रहे क्योंकि उनकी जो ईमेल है जिसके माध्यम से उन्होंने शक्ति सिंह गोहिल से एक ब्लैकबेरी मांगा है, और ब्लैकबेरी जाहिर सी बात है किसी का कोड था, और उसमें उन्होंने कहा कि पैकेट रिसीव हो गया, पैसे रिसीव हो गए, इस तरीके की ईमेल उनकी पाई गई है। और शक्ति सिंह गोहिल जो असेंबली है उसके अंदर उसके लीडर ऑफ अपोजिशन थे, इस कारण से अब तक हम मेंटेन कर रहे थे कि ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और जो एक एफिडेविट की बात थी वो एफिडेविट भी शक्ति सिंह गोहिल के घर पे जाकर उस अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर से इन्होंने साइन कराया था सुबह के 4 बजे। तो जो तमाम तथ्य सामने आए उसको हम लिंक कर रहे थे कांग्रेस के साथ, आज वो स्पष्ट हो गया कि इनकी पत्नी को, जिनका ना कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस है, ना उन्होंने अभी तक कोई काम किया, ना बावजूद इन सब चीजों के कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ करने के लिए, तो उन्होंने इनको सामने करके बलि का बकरा बनाया और एक ऐसी महिला को वोट दिया जी, सिर्फ मीनाक्षी जी लेकिन जो आपने तमाम बातें कही कि कांग्रेस पार्टी से किस तरह से संजीव भट्ट जुड़े रहे, उस पर चेतन रावल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चेतन रावल जी, जुड़े रहे कांग्रेस पार्टी से संजीव भट्ट, ये कहना है मीनाक्षी लेखी जी का, और वो बता रही है बहुत कुछ ब्लैकबेरी के बारे में। देखिए फिजूल के आक्षेप करने, ये इन मित्रों की आदत सी हो गई है। वे लोग किसी भी मसले को लेकर के कुछ भी अनाप शनाप कहते रहते हैं। मैं दोबारा आपसे विनती करता हूं कि आप और आपकी पार्टी के सभी सदस्यगण इतना प्लीज आंसर दे दीजिए, या तो एक विज्ञप्ति दे दीजिए कि क्या कोई भी इंसान को चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिज्ञ होना जरूरी है? तो फिर जब मोदी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनकर के आए थे तो वे किसका ऑल्टरनेटिव बनकर के आए थे? वे कुछ भी नहीं थे, वे विधायक नहीं थे, वे यहाँ पर सीधे मुख्यमंत्री बनकर के आए थे और उसके बाद में वे चुनाव लड़े थे। आप पहले अपना ग्राउंड तो क्लियर करो बहन जी। जी हाँ, इतना ही समय हमारे पास इस चर्चा के लिए, आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी जी आपका भी, और बाकी तमाम मेहमानों का, चेतन रावल जी, तृप्ति जी, दिबांग और विजय विद्रोही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए।